हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइट के बारे में। जो लाइट आप अपने आसपास देखते हैं उसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसका इतिहास क्या था और कैसे यह जो लाइट है पूरी दुनिया को चलाती है, कैसे यह जीवन देती है और कैसे ये हमें ब्रह्मांड की जानकारी देती है और यह लाइट कैसे ब्रह्मांड में चलती है और यह अपना सफ़र तय करती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लाइट को समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लाइट के महत्व को समझ लें। आप देखेंगे कि आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं ये हर चीज़ लाइट से ही बनी हुई है। यहाँ तक कि आप, पेन, हर एक चीज़, एटम, इलेक्ट्रॉन, हर एक चीज़ लाइट से ही बनी हुई है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आखिर में लाइट क्या है। ये तो हमें पता है कि लाइट के गुण क्या हैं, ये तो हमें पता है लाइट कैसे चलते हैं, ये तो हमें पता है कि लाइट का यूज क्या है, लेकिन सच बात ये है कि लाइट क्या है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आखिर लाइट किन चीज़ों से मिलकर बना है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आज से 13 बिलियन साल पहले क्या हुआ था, बिग बैंग हुआ था। उस दौरान माना जाता है कि एक बिंदु से क्या हुआ था, एक विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट में जो सबसे पहले जन्म हुआ वह किसका जन्म हुआ, लाइट का जन्म हुआ, रेडिएशन का जन्म हुआ। उसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है, वह लाइट आपस में इतना ज़्यादा टकराते हैं कि वह पार्टिकल का जन्म देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल का जन्म हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है। और फिर वो पार्टिकल की वजह से एटम बनते हैं और ये पूरी दुनिया बनती है। तो लाइट का महत्व आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ लाइट से है। और जब ये पूरी दुनिया बनती है तो उस दुनिया को एक नज़ारा दिखाने के लिए, ठीक है, एक जैसे पर्दे पे हम देखते हैं वैसे ही इस दुनिया को एक रंगमंच बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ी और वही लाइट हमारे चारों तरफ घूम रही है जिससे हम पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं इस कैमरे को देख पा रहा हूँ और हर कोई देख पा रहा है क्योंकि यह लाइट है जो चारों तरफ फैली है। और वही लाइट क्या होती है, हमारे धरती पे आती है, पेड़ पौधे बनते हैं, उन्हें खाते हैं और जीवन भी है। तो अब हम चलेंगे लाइट के इतिहास के बारे में। जैसा कि मैंने इतिहास के बारे में बताया कि लाइट पैदा कहाँ से हुआ था, बिग बैंग से पैदा हुआ था। उसके पीछे हम नहीं जा सकते क्योंकि कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है कि बिग बैंग के पहले क्या था। तो लाइट वहाँ से आया था, तो लाइट का इतिहास क्या है ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि जो सेल योर बुक है ये हमारा वेंचर है। यहाँ पे आप अपने घर के अंदर रखी हुई किताबें, जो लगभग 30 से 40 हज़ार की किताबें हैं, आप इनको कबाड़ में न बेच के इस प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं और अपने आसपास लोगों की मदद कर सकते हैं, उन बच्चों से कनेक्ट हो सकते हैं जो पढ़ने वाले हैं, उन लड़कों लड़कियों से चैट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और एक अपना नेटवर्क बना सकते हैं जहाँ पर आप किताबें बेच सकते हैं और किताबें आप उनसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं। बीच में कोई सेलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आपका सारा का सारा पैसा बचेगा। पूरे जीवन में आप अगर आप देखेंगे तो आप 8 से 9 लाख रुपया घर का पैसा लगाते हैं। आप LIC जमा करते हैं, उसमें 8 से 9 लाख उसमें बहुत सारा पैसा आप लगाते हैं, तब जाके आपको LIC में इतना पैसा मिलता है। तो सारा पैसा आप सेव कर सकते हैं और उन्हें अपने जीवन के किसी और चीज़ में लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई नोट्स है, आप टॉपर हैं, तो उन नोट्स को कबाड़े ना बेचिए, उस नोट्स को आप यहाँ बेच सकते हैं, ठीक है, उसका अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और किसी बच्चे की आप मदद कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों हम बात करेंगे लाइट के बारे में। तो पहले क्या था, जब न्यूटन के जन्म से पहले की मैं बात करूं तो लाइट बहुत, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं था। लोगों को लगता था कि जैसे एक धारा होती है, जैसे बारिश होती है, जैसे बारिश की धारा गिरती है अचानक से, तो क्या होता है, हमको लगता है पानी इकट्ठा गिरा हुआ है। तो वैसे माना जाता था जो लाइट है वो क्या, एक तरीके से एक धारा की तरह है, अचानक से बहुत सारा पर्दे की तरह आता है, जाता है, यही लाइट है, लोगों को यही लगता था। फिर बाद में न्यूटन आते हैं और न्यूटन क्या करते हैं, लाइट के बारे में बताते हैं, कहते हैं जो लाइट है एक तरीके से रेज की तरह है, इसके अंदर बहुत सारे बहुत सारे इसके रंग हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ये भी दिखाते हैं कैसे लाइट टूट जाता है, लाइट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह यह होती है कि न्यूटन का कहना होता है कि जो लाइट है वो कभी मुड़ती नहीं है, उसकी स्पीड हमेशा फिक्स है, वो कभी नहीं मुड़ती है, ठीक है, और उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि जो लाइट है वो क्या है, मासलेस है। मतलब कि एक बात समझिए, न्यूटन का ये कहना था कि ग्रेविटी जो इन्होंने थ्योरी दी थी, उनका कहना था कि अगर दो मास है तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, क्योंकि इसका भी मास है, इसका भी मास है, तो दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा। उन्होंने इसके लिए क्या दिया, एक फार्मूला दिया। लेकिन वो कहते हैं कि लाइट के बीच में कोई ग्रेविटी काम नहीं करेगी। मान लीजिए हमारा धरती है और ये लाइट है,
तो इसके बीच में कोई फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि धरती का तो मास है लेकिन ये जो लाइट है इसका अपना कोई मास नहीं है, और जब इसका मास ही नहीं है तो इसके बीच में ग्रेविटी कैसे काम करेगी, क्योंकि ग्रेविटी का नियम ही यही है कि दो मास के बीच में फोर्स पैदा होगा। लेकिन यहाँ पे एक धरती है और एक लाइट है जिसका मास नहीं है, तो भला इनके बीच में फोर्स कैसे पैदा होगा। तो यहाँ पे जो न्यूटन कहते हैं कि यह लाइट हमेशा इस ब्रह्मांड में हमेशा सीधी रेखा में चलती है, यह हमेशा सीधी चलती है। दूसरा उनका यह कहना था कि इसका जो मास नहीं है, और तीसरा चीज़ उनका यह कहना था कि जो लाइट है, लाइट के जो जो लाइट का वो होता है, जो लाइट की एनर्जी होती है वो वैक्यूम में या हमारे ब्रह्मांड में स्पेस में क्या होता है, फिक्स रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। तो लाइट के बारे में ये जो अवधारणा थी ये बहुत ही जटिल अवधारणा थी, क्योंकि न्यूटन के कहने के बाद ठीक है वैज्ञानिकों ने यही सच मान लिया था, क्योंकि ये हमारे धरती पे ऐसे ही काम करती थी जब हम ऑब्जर्व करते थे, लेकिन हम ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानते थे, ब्रह्मांड के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे, तो हमें लगता था यही नियम क्या है सही है। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो सापेक्षता का सिद्धांत रखते हैं, वहाँ से जो लाइट की धारणा है वह बदल जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, किसके बारे में बताऊँगा, प्लैंक के बारे में बताऊँगा। प्लैंक ने क्या किया था दोस्तों, लाइट को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया था, काफ़ी बेहतर बना दिया था। पहले क्या था, लोग लाइट को समझ नहीं पा रहे, जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों को लगता था जो लाइट है धारा की तरह है, लेकिन प्लैंक बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, जो लाइट है वो क्या है, फोटोनिक कणों से बना हुआ है, क्वांटम कणों से बना हुआ है, और वो बोलते हैं इनकी अपनी क्या है, एनर्जी है। तो यहाँ तो एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जो लाइट है वो किससे बना है, क्वांटम कणों से बना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ है, ये चीज़ ये बता देते हैं, जिसके लिए एक फार्मूला भी देते हैं जिसकी वजह से इसकी आप एनर्जी माप कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक था। उसके बाद आइंस्टाइन ने एक चीज़ और बताया था, उन्होंने ये बोला कि जो लाइट है वह क्या है, इसके अंदर ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ वेव की तरह बिहेव करता है, जिसके लिए उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिया था। उसमें क्या है कि वही लाइट जब मेटल से टकराता है ठीक है, या किसी पार्टिकल से टकराता है, तब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, वरना वो स्पेस में क्या होता है, वह वेव की तरह बिहेव करता है। लेकिन अब अगर हम आगे चलें ठीक है, तो सबसे ज़रूरी था यहाँ पर, जैसे आप देखेंगे कि मतलब आइंस्टाइन ने बता दिया था कि जब यही लाइट जो वेव की तरह है यहाँ पे आएगा तो चीज़ों से टकराएगा, और टकराने के बाद क्या करता है, यह किसकी तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और इसी थ्योरी से क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकल के आया। आज आप सोलर पैनल देखेंगे, सेंसर देखेंगे, तो उन सब में इनका बहुत बड़ा यूज है। लेजर में भी आइंस्टाइन का बहुत बड़ा रोल है, काफ़ी बड़ा रोल है ठीक है, क्योंकि उनकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ही वजह से ये पता चल पाया कि लाइट का यूज हम कर सकते हैं एज ए पार्टिकल के रूप में, लेजर बनाने के रूप में यूज कर सकते हैं, करंट पैदा कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों में इनका यूज आया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था, जो अभी तो ये था कि चलिए ठीक है ये तो हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे देख रहे हैं, लेकिन ये लाइट जब ब्रह्मांड में गुजर रही होगी, जब हम इसको नहीं देख रहे होंगे, ये वैक्यूम में कैसे काम करेगी, क्योंकि अभी तो हमने ये देखा कि चलो ठीक है उन्होंने बता दिया क्वांटम कण है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता दिया, लेकिन क्या लाइट हम कैसे ये कल्पना करें कि जो लाइट है जब वो वैक्यूम में चल रही होगी, जब वो ब्रह्मांड में चल रहा होगा, तो कैसे काम करेगा, क्या उसके ऊपर ग्रेविटी का असर होता है या नहीं होता है, यह कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि ये अभी तक ये चीज़ नहीं था कि लाइट के ऊपर ग्रेविटी असर करती है या नहीं करती है। तो आइंस्टाइन आते हैं और आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत वो बोलते हैं कि हाँ जो लाइट है इसके ऊपर ग्रेविटी काम करती है, और ये जो लाइट है ये क्या होता है, बेंड भी होता है, यह बेंड भी होता है, इसके ऊपर ग्रेविटी काम करती है। इसका मतलब कि जो लाइट था इसके अंदर मास की प्रॉपर्टी थी, द्रव्यमान की प्रॉपर्टी थी, और ये पहली बार था जो न्यूटन की सारी थ्योरीज को गलत कर रहा था। पहली क्या कि जो लाइट है सीधी चलेगी, ये गलत होती है, मतलब ये वैज्ञानिकों को समझ में आता है जो लाइट है वो सीधी नहीं चलेगी, वह मुड़ेगी भी, मतलब मुड़ भी सकती है, कहीं भी जा सकती है, स्ट्रेच हो सकती है। दूसरी चीज़ आइंस्टाइन बताते हैं कि जो लाइट है वो क्या है कि सिर्फ मुड़ेगी ही नहीं, इसके अंदर क्या होगा, इसकी ऊर्जा में बदलाव आएगा। मतलब जो लाइट चल रही थी जिसको हमने यहाँ पे मेजर किया कि इसके अंदर मान लीजिए कि जो एनर्जी है, मान लीजिए 1 जूल है ठीक है, कोई भी 1 यूनिट एनर्जी है, तो यहाँ पर चल रही है, हो सकता है कि जब ये हायर ग्रेविटी में जाए, जब सन के पास जाए, तो इसकी ऊर्जा में बदलाव आए। तीसरी चीज आइंस्टाइन ये बताते हैं कि जब ये वहाँ पे जाएगी ठीक है, जब ये ग्रेविटी में जाएगी तो इसका क्या होगा, इसके जो लेंथ में बदलाव आएगा ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से स्ट्रेचिंग होगा, तो इसके लेंथ में बदलाव भी आएगा। ये 3-4 चीज़ें इसमें बताते हैं।
अब यह चीज तो इन्होंने बता दी होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आखिर लाइट बेंड होती कैसे है। यह तो आपने समझ लिया कि ग्रेविटी से, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि आइंस्टाइन इसको एक्सपेरिमेंटल कैसे समझाए कि जो लाइट है वह बेंड होती है। तो आइंस्टाइन एक थ्योरी देते हैं इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। इक्विवेलेंस प्रिंसिपल क्या था, आप एक आसान भाषा समझिए। आइंस्टाइन का कहना है कि जो हमारा फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, वो क्या है एक तरीके से, वो फोर्स नहीं है, वो स्पेस का क्या है, कर्व है। और यही जो स्पेस कर्व है ये लगातार एस्केलरेट हो रहा है, मतलब ये जो कर्व है लगातार धरती की तरफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, लगातार नीचे आ रहा है। ठीक है, तो जब ये आ रहा है तो हमको ग्रेविटी फील हो रही है, बात समझ गए। इसका मतलब हम जो भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करेंगे, जो भी हरकतें करेंगे, हमको फील हो रहा है कि ग्रेविटी की तरफ फील हो रहा है, ये हमारा नॉर्मल नेचर है। ठीक है, आइंस्टाइन ने कहा कि ठीक है आप ये कह रहे हैं ग्रेविटी है, लेकिन मैं कह रहा हूं ग्रेविटी नहीं है। इसका प्रूफ ये है कि आप क्या करिए, एक बॉक्स ले लीजिए, आपको मैं समझाता हूं। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, एक यहां पे एक बॉक्स ले लीजिए और मान लीजिए धरती है, यहां पे जो एस्केलरेशन है कितना है, 9.8 है। ठीक है, और यहां पर इंसान क्या कर रहा है, एक बॉल लेके ऊपर नीचे पटक रहा है। आइंस्टाइन ने कहा कि एक इंसान को एक इसके अंदर रखिए, ठीक है, अब अगर ये स्पेस में होगा, वे स्पेस में है तो लगातार क्या करेगा, उड़ेगा, ये इसके ऊपर ग्रेविटी काम कर नहीं रही है, तब तो ये उड़ रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कि इसी को क्या करिए आप, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तेजी से इसको नीचे करिए, मतलब इसको एस्केलरेट कराइए। तो जब यह चीज एस्केलरेट करेगी कितने से, 9.8 मीटर पर सेकंड से, जितने से हमारी धरती पर एस्केलेशन पैदा होता है, अगर उसी स्पीड से आप इसको एस्केलरेट करेंगे तब क्या होगा, इसको वैसा ही फील होगा जैसा एक इंसान को धरती पर फील हो रहा है, इसको ग्रेविटी फील होगी, वैसी ग्रेविटी फील होगी जैसा कि इस धरती पे इसको फील हो रहा है। अब यहां पे ये जो भी एक्सपेरिमेंट करेगा उसको क्या लगेगा, उसको यह लगेगा कि वह धरती पे जैसे खड़ा है। मान लीजिए कि एक इंसान है, मैंने क्या किया, वो धरती पे था, रात को सो गया, बांध बूंध के हमने उसको क्या किया, इसमें भर दिया, और इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एस्केलरेट करा रहा हूं, बहुत तेजी से एस्केलरेट करा रहा हूं, तो इसको लगेगा कि, इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा जैसे कि ये क्या है, लिफ्ट में है, या फिर एक कमरे में है, कमरा बना दीजिए जिसको 9.8 मीटर पर सेकंड से एस्केलरेट कराइए, इसको लगेगा जैसे ये धरती पर, इसको सारी चीजें वैसी फील होंगी जैसे यहां धरती पे फील हो रही है। अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब, इसका यह मतलब है कि आप बात समझिए कि लाइट कैसे मुड़ेगी। अब ये समझेंगे कि लाइट कैसे मुड़ेगी, मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, मैं यहां सामने से खड़ा हूं और चीजों को देख रहा हूं, एक लाइट क्या है 0 सेकंड से यहां से पास हुई, ठीक है, और एक लाइट 0 सेकंड से यहां से पास हुई। ठीक है, हमने क्या किया, यहां पे दो छोटे छोटे छेद कर दिए, यहां भी छोटे छोटे छेद कर दिए। ठीक है, बात समझिए ध्यान से, लाइट यहां से भी उतने सेकंड में पास हुई, लाइट यहां से भी उतने सेकंड पास हुई। अब क्या होगा, जैसे लाइट यहां एंट्री करेगी, ठीक है, लाइट यहां एंट्री कर गई, लेकिन जब यहां से गुजरेगी तो क्या होगा, ये तो एस्केलरेट कर रहा है, तो यह क्या होगा, नीचे आएगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा। ठीक है, अब बात समझिए, ये क्या होगा, नीचे आएगा, तो क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया, जैसे लाइट यहां से घुसी, अब जब ये नीचे, एक सेकंड दोस्तों, देखिए यहां पे, जैसे मान लीजिए लाइट यहां से, लाइट ने क्या किया, यहां से क्या किया, एंट्री किया, लाइट ने यहां से क्या हुआ, एंटर किया। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर जाएगा, यहां पे देखिए अब ये बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, तो लाइट तो इसके सामने जा नहीं पाएगा क्योंकि अब नीचे आ चुका है कुछ सेकंड में, तो ये कहां पे एंट्री करेगा, इसमें जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से निकलेगा, क्योंकि जैसे ही लाइट यहां से गया ये तुरंत नीचे आ गया, तो ये इस होल में जा नहीं पाएगा क्योंकि ये तो नीचे जा चुका है, तो ये इस होल से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे भी लाइट से जा रहा था, तो यहां पे हमने देखा कि जो लाइट है वो लाइट सीधे नहीं गई है, अगर ये आप देखेंगे तो लाइट कैसी है, ये ऐसी है। ठीक है, यहां पे लाइट क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है, कर्व है। तो सेम चीज जैसा आइंस्टाइन ने बताया कि यहां पे जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वह हमें इसके समान दिखेगा, तो इसका मतलब कि जो लाइट यहां से गुजरी है वह लाइट इसके समान दिखनी चाहिए। तो अब क्या होगा, जो लाइट यहां से गुजरेगी वह सीधी नहीं होगी, वह क्या होगी, कर्व होगी, वह मुड़ी हुई है। अब किसकी वजह से मुड़ी हुई है, ग्रेविटी की वजह से, वह ग्रेविटी ऐसे ही काम करती है जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, किसकी वजह से, एस्केलरेशन की वजह से। आप बात समझ पाए, वरना लोग समझ नहीं पाते थे कि लाइट आखिर मुड़ कैसे रही है। ठीक है, ग्रेविटी वजह से, लेकिन कैसे, तो उन्होंने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल दिखाया कि एक आप इंसान को क्या करिए, ऐसे फ्रेम में डाल दीजिए जो 9.8 मीटर पर सेकंड से क्या हो, एस्केलरेट हो रहा हो, और उसमें से लाइट गुजारिए, तो वो क्या होगा, यहां पर आप देख पाएंगे कर्व हो रहा है, और वही लाइट यहां से गुजरेगी वह कर्व हो रहा है, किसकी वजह से, एस्केलरेशन की वजह से, जो स्पेस है क्या कर रहा है, लगातार एस्केलरेट कर रहा है लाइट को।
तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि जो लाइट है ये क्या होती है, मूर्ति है, वो यहां पे हमें दिखाई जाती है। और इसी पे क्या होता है दोस्तों, जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तब जाके हमें ये दिखता है कि हाँ लाइट सच में मूर्ति है। ये लाइट की एक पहली प्रॉपर्टी थी जो देखी गई थी। दूसरी चीज जो आइंस्टाइन ने बताया था कि लाइट क्या होता है, इसमें रेड शिफ्ट पैदा होता है या ब्लू शिफ्ट पैदा होता है। तो जब ये ऐसी जगह से जाएगी जहां पे क्या है ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो वहां का स्पेस क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जब लाइट जाएगी तो वो भी क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी और उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये भी उसी दौरान चेक कर लिया जाता है। तो ये जो दो प्रॉपर्टी होती है इससे हमें काफी ज्यादा फायदा मिलता है। फायदा क्या मिलता है, फायदा ये मिलता है दोस्तों कि ब्रह्मांड में क्या था कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी, ठीक है, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें नहीं समझ में आ रही थी। तो जब हमें ये नियम पता चल जाता है कि जो लाइट है इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या होता है, मुड़ता है। दूसरी चीज ये क्या होता है, ये अपनी ऊर्जा में चेंज करता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे जो ब्लैक होल थे, जो बड़े बड़े ऐसी चीजें थी जिनको हम देख नहीं सकते थे, तो वहां से जब लाइट आती थी, ठीक है, तो लाइट जब वहां से आती थी मुड़ के आती थी तो लाल होके आती थी, तो हमको पता चलता था अच्छा ये हमसे दूर जा रहा है। और जब वो लाइट क्या होती थी ब्लू होती थी, तो हमको पता चलता था कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रही है, हमारे पास आ रही है। ठीक है, और दूसरी चीज हमको ये पता चला कि जो चीज हम देखते हैं हो सकता है कि वो चीज वहां पे ना हो, हो सकता है कि जैसे ये लाइट मुड़ रही है ग्रेविटी वजह से, हो सकता है कि बीच में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हो, उसने क्या किया हो, लाइट को मोड़ के हमारे पास लाया हो। तो हो सकता है कि जो चीज हम देख रहे हो वहां पे ना हो, वह कहीं और पे हो। इससे वैज्ञानिकों को ये भी पता चला। वरना जरा सोचिए कि हमको इस थ्योरी के बारे में पता नहीं होता, हमें रॉकेट बनाते, हम बोलते चलो हमको हालालुला प्लेनेट पे चलना है। अब हालालुला प्लेनेट जाते हमको लगता है वहां दिख रहा है, लेकिन पता चला कि वो तो कहीं और है, वो तो लाइट की वजह से हमको लग रहा था कि वो जो प्लेनेट है हमको वहां पे दिख रहा है। और लाइट में एक और क्वालिटी निकल के आती है, वो क्या थी, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट क्या है, मैं आपको ये समझाता हूं कि जैसे कोई वैन होता है, ठीक है, वो क्या होता है जब आपसे बहुत दूर जाता है तो आवाज बहुत ही छू से करके आती है, ठीक है, जब आपके पास आता है तो आवाज उसकी कुछ अलग आती है। वैसी सेम चीज लाइट के साथ होता है। लाइट क्या करती है, जब कोई चीज आपसे क्या होगा बहुत तेजी से दूर जाएगी, तब जो इमेज आपको दिखेगा वो किस में दिखेगा, लाल दिखेगा। मतलब जो लाइट है यहां पे आप देखेंगे ये किस फॉर्म में दिखेगा, बहुत ज्यादा रेड के फॉर्म में दिखेगा। लेकिन जब यही चीज क्या होगा कि यही चीज जब आपके बहुत पास आएगी, मान लीजिए कोई प्लेनेट है या कोई ऐसा कोई ऐसा ब्लैक होल है जो बहुत तेजी से पास में आ रहा है, तो वहां से जो लाइट आपके पास आएगी जो आपको दिखेगी वह किस फॉर्म में दिखेगी, वह ब्लू के फॉर्म में दिखेगी। तो इस चीज से, इस प्रॉपर्टी से यह भी पता चला कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाना है, ठीक है, हमको ये जानना है कि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है दूर जा रहा है, तो रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट से हम पता लगा पाते थे, क्योंकि वो हमको क्या दिखता था, लाल दिखने लगता था, तो हमको लगता था ये ऑब्जेक्ट पास आने वाला है, खतरा है, ठीक है, नहीं दूर जा रहा है, खतरा है। क्योंकि रेड शिफ्ट क्यों दिखता है कि क्योंकि जब ये दूर जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है, यह है और आप यहां पर खड़े हुए हैं, जब ये आपसे बहुत तेजी से दूर जाएगा तो यहां पे जो स्पेस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्पेस स्ट्रेच हो रहा है। तो जो यहां की जो लाइट है ये क्या होगा, ये भी स्ट्रेच होगा। और आपको पता है जब किसी लाइट का क्या होता है, लेंथ बढ़ा दिया जाता है, जब किसी लाइट का वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। और आपको पता है जो रेड लाइट होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है, इसी वजह से उसका लेंथ बढ़ता है। और लेंथ क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहां पर जो स्ट्रेच है वो क्या हो रहा है, जब ये दूर जा रहा है तो क्या हो रहा है, स्पेस क्या हो रहा है, तन रहा है। और जो यहां से लाइट आ रही है, जो अगर ब्लू है तो रेड होने लगेगी, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है वो बढ़ रहा है। वही चीज क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कोई गैलेक्सी है, ये हमारी धरती की तरफ बहुत तेजी से आ रही है, तो यहां पे जो बीच में जो स्पेस है वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। इसकी वजह से जो लाइट है, मान लीजिए कि जो लाइट है वो रेड भी है, तब भी क्या होगा, सिकुड़न की वजह से क्या होगा, ये ब्लू में बदल जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ छोटा हो जाएगा। तो ये चीज वैज्ञानिकों को पता चला कि जब कोई चीज दूर जाएगी तो लाइट स्ट्रेच होगा, वो लाल दिखेगा। जब कोई चीज हमारे पास आएगी तो लाइट क्या होगा एकदम चिपक जाएगा, क्योंकि स्पेस दब रहा है, तो हमको ब्लू दिखेगा। और इसकी ही वजह से वैज्ञानिक बहुत बड़ी बड़ी चीजें खोज पाए। आज आप सोचेंगे कि वैज्ञानिक कैसे पता लगा पाते हैं कि यह जो प्लेनेट है वो कितना दूर है, ठीक है, वो क्यों हमसे दूर जा रहा है, तो ये इसी वजह से पता लगा पाते हैं। और इन्हीं लाइट की वजह से दोस्तों ये भी पता लगा पाते हैं कि जो प्लैनेट है वो प्लैनेट पे हीरा कैसे, आपने सोचा सुना होगा कि जैसे प्लैनेट पे हीरा मिल गया तो कैसे मिला। तो लाइट का क्या होता है, जब भी जो लाइट होती है अलग अलग पार्टिकल से टकराएगी, ठीक है, तो वह अलग अलग फ्रिक्वेंसी में, मतलब उसकी जो ऊर्जा होगी वो बदल जाएगी, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन से टकरा के आएगी तो हाइड्रोजन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ऊपर वाला, उसकी ऊर्जा अलग है। जब उससे टकरा के आएगी तो आके बताएगी, भैया उसने मुझे बहुत मारा है, उसके पास इतनी ताकत है, तो आप बताएंगे अच्छा वहां पे हाइड्रोजन है, ओ
फिर जब हीरे से टकरा के आएगी तो लाइट आपको बताएगा मेरा तो इतना एनर्जी खा गया, मेरे पास इतना ही बचा है, तो आप बोलेंगे लगता है ये बहुत मार खाया है, इसके पास बहुत कम एनर्जी बची है, इसका मतलब वहाँ पे हीरा होगा। ठीक है, जैसे अगर हम अगर मान लीजिए कमरा एक है, ठीक है, उसमें लोहा हुआ रखा हुआ है, रुई भी रखा हुआ है, गेंद भी रखा हुआ, मैं आपको लेके जाऊँ पटकूँ, लोहे पे गिर जाएगा सर, फूट फाट के बाहर आओगे तो समझ जाएंगे यार लोहे से टकरा के आए हैं। तो वैसे लाइट का भी है कि वो अलग अलग पार्टिकल से टकराती है तो अपनी अलग अलग ऊर्जा क्या करती है, खत्म करती है, और वही चीज़ देख के बता पाते हैं कि वहाँ पे मतलब क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, क्या नहीं है। तो ये चीज़ थी दोस्तों लाइट के बारे में कि लाइट कैसे क्या करती है, हमारे ब्रह्मांड को चलाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य, आखिर लाइट है क्या, यह अभी तक हम नहीं बता पाए। आखिर लाइट है क्या, लाइट क्यों, आखिर स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती है, सोचने की बात है। ये जवाब अभी तक साइंस के पास है ही नहीं कि ठीक है लाइट ये काम करती है, लाइट ये है, लाइट की एनर्जी इतनी है, ठीक है, लेकिन लाइट है क्या। जैसे बोला जाता है ना कि मतलब एटम है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है, इसका आपके पास एक डिफिनेशन है, जवाब है, तर्क है, लेकिन लाइट क्या है इसका जवाब हमारे पास नहीं है। लाइट किन चीजों से बना है इसका जवाब हमारे पास नहीं है। आखिर लाइट मतलब 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्यों ही चलती है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, विज्ञान के पास नहीं है। क्यों लाइट नहीं रुकती है इसका भी जवाब हमारे पास नहीं है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है, आखिर लाइट सच में क्या है, क्योंकि लाइट ही मूलभूत क्या है, एक फाउंडेशन है, एक नींव है जिससे सब कुछ बना है। बिग बैंग से पहले लाइट निकला, लाइट से सब बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ उसी से बने हैं। गामा रेडिएशन को जब आप क्या करेंगे, आप उसको तोड़ेंगे क्रिस्टल से टकरा के, तो क्या होता है कि इसमें एंटी पार्टिकल पार्टिकल में टूट जाता है, मतलब जो पार्टिकल निकल के आए हैं किससे निकल के आए हैं, लाइट से निकल के आए हैं। लेकिन ये लाइट क्या है, लाइट क्या है, क्यों ये स्पेस में चलती है, ये एक सवाल है जिसके पास जिसका जवाब नहीं है वैज्ञानिकों के पास, इसका जवाब नहीं है। तो यही सबसे बड़ी एक सबसे बड़ा रहस्य है कि जिस लाइट से हम सब बने हैं वह लाइट क्या है उसके बारे में ही हमें नहीं पता। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये क्यों चलती रहती है लगातार, ये चलती ही क्यों रहती है और अनंत काल तक ये चलती है। आपको पता है इन्हीं लाइट की वजह से हम देख पाते हैं बिग बैंग जैसी घटनाओं को, समझ पाते हैं, क्योंकि जो तारे बने हैं आज से 400 साल मतलब अरबों खरबों साल पहले, ये लाइट वहां से अभी तक हमारी धरती पर आ रही है, तो हम देख पा रहे हैं उनको इन्हीं लाइट की वजह से, इन्हीं लाइट की वजह से हम इतिहास में झांक पा रहे हैं। लेकिन ये लाइट क्या है हमें आज तक नहीं पता। तो ये एक सवाल है जिसके बारे में मतलब वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं लेकिन नहीं पता। और कहा यही जाता है कि हम कभी भी, जैसे वेदों में भी यही कहा जाता है कि हम कभी भी साइंस के थ्रू हम नेचर को नहीं समझ सकते हैं, काफ़ी हद तक जा सकते हैं लेकिन जो रचयिता है, ठीक है, जैसे आइंस्टाइन ने बोला था एक सोर्स है जो सब कुछ पैदा करता है, उसको हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिक से हर चीज़ हम नहीं समझ सकते हैं, तो किस चीज़ें समझ सकते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम वो है, चैनल है, ठीक है, बैक टू स्कूल करके, वहाँ पे जाके आप मुझे टॉपिक दे सकते हैं कि सर आप ये टॉपिक बताइए, वो टॉपिक बताइए, तो वो आपके रिकमेंडेड टॉपिक हम आपको बताएंगे। आप हमसे सिद्धांत से सबसे डिस्कशन वहाँ पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हैं और हमें कुछ वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और भी लोगों को आप शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।